एबीपीएस न्यूज सच का साथी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी के प्रभारी संजय सिंह लखनऊ पहुंचे और उन्होंने बीबीआईपी गेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि इस समय किसान सबसे ज्यादा परेशान है, जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बीमार कर देगा। और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां ना तो किसानों के हित में है और ना ही आने वाले समय में किसान उनका साथ देने वाला है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि पूर्वांचल के क्षेत्र में 250 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी। दूसरी यात्रा का परिणाम काफी अच्छा रहा। किसान और शिक्षा मित्र के अलावा उन्होंने कहा कि तमाम ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का खुलकर विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये लोग जनता की मंशा को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर यहाँ की जनता आम आदमी पार्टी को अपना वोट देगी और सरकार बनाएगी, जिसके चलते भाजपा का यहाँ से पलायन तय है। राम मंदिर का मुद्दा उसी प्रकार से सामने जनता के लेके आते हैं, मूर्ख बनाते हैं, वोट लेते हैं और फिर राम मंदिर के मुद्दे को भूल जाते हैं। तो संजय जी, अभी मेरा ये कहना है, अभी एससी एक्ट के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बाद तो पूरा हो जाने दो यार, एक मिनट इसको पूरा करना। मेरा ये कहना है कि आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है प्रदेश की और देश की, कि हम बिजली पे, पानी पे, चिकित्सा पे, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, जो हमारे बुनियादी मुद्दे हैं, उस पर बात ही नहीं करते। और उससे ध्यान हटाने के लिए मेरा सीधा आरोप है कि बीजेपी वाले ये साजिश करके कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गाय, कभी बकरी, कभी एंटी रोमियो, कभी लव जिहाद, ये तमाम नकली मुद्दे लेके आते। असली मुद्दा है इस देश के किसान का, नौजवान का, शिक्षा मित्रों का, बेरोजगारी का, नोटबंदी का, राफेल का, महंगाई का, इस पे बात होनी चाहिए। और इससे दिमाग हटाने के लिए ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा लाया गया। संजय, और उनको सबको धन्यवाद देना चाहिए, खास तौर से उनके भक्त जो अब तक लेके तलवार खड़े रहते थे कि देखो हमारे मोदी जी मस्जिद में नहीं जाते, और वो इंडोनेशिया से उन्होंने शुरू कर दिया है। संजय, अंदर चार राज्य बनाए जाए ये समय की मांग है। आप हर क्षेत्र में देख लीजिए, मैंने अपराध का आंकड़ा बताया, मैंने राज्य के जीडीपी का आंकड़ा बताया, मैंने कुपोषण के बारे में बताया, मैंने अशिक्षा के बारे में बताया, मैंने बिजली पानी की हालत के बारे में बताया, और एक छोटा राज्य उत्तराखंड आपसे अलग होके बना है, उसकी स्थिति के बारे में भी बताया। तो छोटे राज्यों में विकास के कार्यक्रम को अच्छे ढंग से संचालित किया जा सकता है और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है अगर इस प्रकार का प्रयास होगा तो इसलिए आम आदमी पार्टी इसकी पहल कर रही है और इसके लिए आंदोलन चलाने की बात है। अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी से, दिल्ली में भी लड़ रहे हैं, पंजाब में भी लड़ रहे हैं, हरियाणा में भी लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी लड़ रहे हैं, लेकिन अगर कुछ पार्टियां मिलकर इनको हराने की कोशिश कर रही हैं तो ये सराहनीय कदम है और ये होना चाहिए। आम आदमी पार्टी फिलहाल किसी भी गठबंधन में नहीं है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर जगह हम अकेले लड़ रहे हैं। संजय भाई, आप रोड ये पदयात्राएं कर रहे हैं, ये बात तो साफ हो गई 2019 में आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए भाजपा के खिलाफ आपके पार्टी ने क्या रोडमैप तैयार किया है? देखिए, 2019 में आम आदमी पार्टी 80 से 100 सीटों पर पूरे देश में चुनाव लड़ेगी, ऐसी हम लोगों की तैयारी है। और उसमें दिल्ली की लगभग सारी सीटें हैं, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान है जहाँ पर हम विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र और गोवा है, गोवा में हमको 6% वोट विधानसभा में मिला था, उत्तर प्रदेश और बिहार है, कुछ कुछ सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये पदयात्रा के पाँचों चरण पूरे होने के बाद हम लोग तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कहाँ हमारी स्थिति मजबूत है और किन सीटों पर। थोड़ा पंचर की दुकान खोलने की सलाह दे रहे हो आप, करना कुछ नहीं है, काम कर ना कर, काम की फिक्र कर, उस फिक्र का जमकर जिक्र कर, लेकिन फिर भी काम ना कर। ये करता हूँ, मोदी जी को सभी मस्जिदों में जाना चाहिए,
और मुस्लिम महिलाएं जो बुर्का पहन के आए उनसे भी सम्मान के साथ बात उनकी सुननी चाहिए है। तो हृदय परिवर्तन हो रहा है मोदी जी का, ये सराहनीय का है। कितना है दिल्ली में, कितना है मध्य प्रदेश में, कितना है उत्तर प्रदेश में, कितना है। आज यूपी का आदमी जब दिल्ली में जाता है तो पेट्रोल डीजल दिल्ली से भरा के तब यूपी में एंट्री करता है। हमारे टैक्स दूसरे राज्यों की तुलना में कम है। इसमें भी कुछ सेंट्रल, मैंने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की बात की, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 443% डीजल पे बढ़ाई गई, 213% 4 वर्षों में पेट्रोल के ऊपर बढ़ाई गई। महंगाई का असली कारण ये है, जो गलत तर्क मोदी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है कि अब इसका नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं। आप गैस का दाम बढ़ा देते हैं, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा देते हैं, सारी महंगाई के पीछे आप कोई ना कोई, और सारी मुश्किल तो ये है कि हर एक चीज को राष्ट्र से जोड़ दीजिए, देशभक्ति से जोड़ दीजिए। अब आप कहेंगे कि टैक्स देना राष्ट्रदान है, भाइयों और बहनों राष्ट्रदान देते रहिए आप लोग, और जो इस टैक्स का विरोध करे वो राष्ट्रद्रोही है। तो कोई भी चीज, अब इसमें एक तर्क लेके आए भाई, एबीपीएस न्यूज सच का साथी।